यार ये काफी फनी लगा मुझे कि अवतार 2 मूवी की वजह से ना सिनेमा हॉल्स ही खराब होना शुरू हो गए, और ये मैंने पहली बार सुना है। तो होता ये है ना कि हर मूवी की अलग अलग क्वालिटी होती है, पिक्सल्स, एफपीएस वगैरह बहुत कुछ होता है, जैसे 4K, 8K और कई कई तो बहुत ही महंगे कैमरा से शूट होती है, जैसे अवतार हो गई और एवेंजर्स एंड गेम हो गई। और इन मूवीज का साइज भी ना छोटा मोटा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है, जैसे 200, 300, 500 GB तक। तो ऑब्वियसली इनको चलाने के लिए भी बहुत भारी मशीन चाहिए होती है, जो मतलब एक मशीन होती है ना करोड़ों में आती है, और अवतार 2 तो कुछ ज्यादा ही भारी है। तो को चलाते चलाते ना जापान के कुछ थिएटर्स में दिक्कत आने लग गई मशीन्स वगैरह में, स्क्रीन में मतलब मशीन्स वगैरह फूक गईं, जिसके बाद शोज वगैरह भी कैंसिल करने पड़ गए। वैसे अवतार या एवेंजर्स एंड गेम में ज्यादा भारी ग्राफिक्स किसके हैं?